आपको क्या चाहिए बाबू? कुछ चाहिए आपको? नहीं, इसको नीचे रखना है। ये हमारा बड़ी है, आ जाओ, कम ऑन कम ऑन। कितना प्यारा जैकी है, जैकी है इसका नाम, पता नहीं। हेलो दुपट्टा फैमिली, नमस्कार, सुप्रभात। और हम पहुंच चुके हैं, अभी सीधा जाना है हमने आगे धर्मपुर में। और आज हम निकल रहे हैं लक्ष्मण सिद्ध पीठ की ओर, जो कि आपका हरावाला में पड़ता है, इधर ऋषिकेश रोड पे है। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ, आपको दिखाते हैं ये पूरा धर्मपुर का इलाका है। आप चेक कर सकते हैं आज कितना जाम ट्रैफिक सब चल रहा है। और ये भैया जी, आज हम भैया की गाड़ी लेके आए हैं, तो पूरा मॉर्निंग का समय हो रहा है, ये शुरू हो चुका है हमारा सफ़र। और हम निकल गए हैं रिश्वना से आगे की ओर। आप देख सकते हैं सुबह का ट्रिप हो रहा है, एक बज चुकी है, अभी सुबह नहीं है। तो आप थोड़ा ट्राई करिएगा, आज मंगलवार के दिन हम जा रहे हैं लक्ष्मण भगवान के मंदिर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय ज्ञान गुण सागर, कपिल की लोक जात, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आगे टेम्पो ने लगा दिया है जाम, आपको उठाएंगे चलो, गाड़ी के इतने बाहर है। हमने वीडियो का एंगल कर दिया है जी, हमने एक में ला दिया है इसे। आप चेक कर सकते हैं, हम फ्लाई ओवर के पास पहुंच चुके हैं, चमोली मार्बल। आपको मार्बल खरीदने के लिए यहाँ पर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर पे सहजारा रोड पर काफ़ी मार्बल की दुकानें हैं। और आप चाहते हैं आपको चमोली जी से ही खरीदनी है, तो आप आ सकते हैं बेशक, क्योंकि चमोली जी ने भी अपना धंधा खोल रखा है। और भैया ने चश्मा पहन के राइडिंग का पूरा फील लेने लग गए हैं। देन ये हमारी गाड़ी देखिएगा, इस आप सफेद पट्टी पे ही चल रही है। और तो गाइस हम आ रहे थे इस रास्ते पे, और हमें एक से मंदिर दिखा है यहाँ पर ऊपर की ओर, तो हम आपको लेके चल रहे हैं ऐसे मंदिर से। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एक मंदिर है, पानी नहीं है, प्राचीन शिव स्थल करके यहाँ पर एक जगह है, आप चेक कर सकते हैं। और हम जा रहे हैं इधर मंदिर, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमने अपना वाहन खड़ा कर दिया यहीं पर और सीधा चलते हैं। ये आप यहाँ का देख सकते हो गाइस, ये हरिद्वार रूट पर बीच में आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा गाइस। इज देयर द प्लेस, बाबा।
आपको मणि माई ले जाएंगे। मणि माई इसलिए इधर लाए आपको, वो तो उधर है लक्ष्मण सीता की, वहाँ से मणि माई के घर से मणि मंदिर आगे यहीं पर है वहाँ पे। मणि माई में हमें नहीं पड़ा था वहाँ, अरे खतरनाक शक्ति हुई वहाँ पर। ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना, जय हो काली मैया, सदैव अपनी कृपा बने रखना माता जी। हमने ले चुके हैं टोल टैक्स के बाद से टर्न और निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और ये आप पूरा ऋषिकेश वाला जंगल चेक कर सकते हो। इधर पे आपको हाथी हिरन और शेर भी मिल सकते हैं। सो रात को कभी इधर पे आना मत अकेले, और आओगे तो फोर व्हीलर पे, टू व्हीलर इधर पे अरेस्ट हो जाती है बाघों द्वारा। चलान भी कट सकता है आपका सीधा ऊपर का अगर ज्यादा बड़ा बाघ आपको मिलता है। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम पहुंच चुके हैं वापिस कुआं वाला की ओर। अभी हर्रा वाला जाना है जहाँ पर लक्ष्मण सिद्धि जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं मेरे बाल हवा में कैसे लहरा रहे हैं, और काफी अच्छा मुझे फील करा रहे हैं। सो आप अगर हमें टॉमी, हम रूट पे आ चुके हैं। कुआं वाला यहाँ मेरा पेपर था SSCVT का, ये कुआं वाला है यार। सवाई सब पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा गया। मैं एक साधु बाबा जी मिले थे गुरी बाबा, उन्होंने भी सारे नोट खा दिए हैं। और ये रास्ता आपको मालूम पड़ रहा होगा कैसा रास्ता है। सो गाइस ये यहाँ का बाहर का दृश्य है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे शांति काफ़ी ज़्यादा है, आप शांति की अनुभूति। और ये यहाँ पर सिद्धपीठ लक्ष्मण महाराज का मंदिर है, जो कि आप अंदर जाके ही दर्शन मिलेंगे आपको। बाहर वहाँ पर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। ये है यहाँ का व्यू, तो भगवान जी का मंदिर यह है। आप यहाँ पर आगे अंदर कैमरा नहीं चला सकते हो, बाद बाकी आप बाहर कहीं भी कैमरा चला सकते हो, क्योंकि आपको मेन दर्शन यहीं पर आगे अंदर आके ही करने पड़ेंगे। गणेश मंदिर भी आप तो भाई हम पहुंच चुके हैं श्री लक्ष्मण जी सिद्धपीठ, जो आपको ऋषिकेश हाईवे पर मिलेगा। यह प्राचीन दुनिया जहाँ पर बंद है, यहाँ पर महाराज जी का भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये आप यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं लाइन वारी में छोटी छोटी शिवलिंग बनी हुई है आगे तक, और यहाँ का माहौल। भैया आगे चलते हैं, वो देखो पार एक है, साईं बाबा है क्या। और हम इधर का पूरा जायजा आपको दिखा देते हैं। इधर तो बड़ा मस्त है पूरा,
ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अंदर आप कैमरा नहीं चला पाओगे क्योंकि कॉर्नरिंग है। सो गाइस ये यहाँ का बाहर का दृश्य है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे शांति काफ़ी ज़्यादा है, आप शांति की अनुभूति। और ये यहाँ पर सिद्धपीठ लक्ष्मण महाराज का मंदिर है जो कि आप अंदर जाके ही दर्शन मिलेंगे आपको, बाहर वहाँ पर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बाहर का दृश्य है यहाँ पर लक्ष्मण सिद्धपीठ महाराज जी का। यहाँ पर आपको गाय मंकीज आपको सब चीज़ मिलेंगे, डॉगीज भी है अंदर पे, और यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है सो हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा दृश्य। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमको मिला, अरे कितना प्यारा है, हमसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है। बताइए आपको क्या चाहिए बाबू, तो क्या चाहिए बाबू, कुछ चाहिए आपको? नहीं इसको नीचे रखना है। ये हमारा बड़ी है, आ जाओ कम ऑन कम ऑन, कितना प्यारा जैकी है, जैकी है इसका नाम, यानी जैकी बेटा, जैकी हाउ आर यू, हेलो मैं आ जाओ। सो गाइस आप यहाँ का चेक कर सकते हैं, बाहर से अंदर यहाँ पे जाना कैमरा चलाना अलाउड नहीं है लेकिन आप बाहर से ही सचित भैया जी बाबा जी के पास चलते हैं। ये यहाँ पर बाहर का आप व्यू देख सकते हैं लक्ष्मण सिद्धपीठ का, हमें परसों इधर से आए थे जब किसी काम से तो हमें लगा इधर जाना चाहिए, आज हम पूरा प्लान बना के आए थे। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण सिद्धपीठ, या आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर का दृश्य, मंदिर के अंदर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है लेकिन बाहर आप चला सकते हैं, अंदर का आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कभी भी आ गया गाइस यहाँ पर सबसे मेन है सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अरे आप देख सकते हैं। तो गणेश मंदिर भी आप गए? आज इनको भी लाए पर बाबा जी है, आप बाबा जी के दर्शन करिए, भैया जी हमारे साथ आए हुए हैं, हम दोनों आते रहते हैं, जहाँ पर परसों आया था इधर आप देख सकते हैं का संगीत आपको सुना देते हैं, हरिओम शंभुनाथ शंकर महाराज की जय। हरिओम शंकर, कई बार बाद में गए हैं वहाँ, अच्छा मेले में, अच्छा बागनाथ में आ रहा हूँ मेरे को, अच्छा महन जी ठीक है वहाँ, महन जी ठीक है वहाँ व्यवस्था करते हैं, आप यहाँ का बाहर का व्यू चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ से आप पूजा पूजा का सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। मेरे मालिक के दरबार में माँ वैष्णो माता शनिदेव मंदिर, यहाँ पर ये मंदिर और ये अपना रास्ता मालिक के दरबार में।